वाइज मायसेल्फ अनूप सिंह, लेक्चरर इन हथनीकुंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डीएमएलटी डिपार्टमेंट। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट ब्लड कलेक्शन, कि जो हमारा ब्लड कलेक्शन होता है पैथोलॉजी लैब में वो किस टाइप से हम करते हैं। इसको बेसिकली हम तीन टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा फिंगर प्रिक से करते हैं, हम उसको सैंपल को जब हमने लो अमाउंट में यानी कम अमाउंट में या कम क्वांटिटी में जब हमें ब्लड चाहिए होता है तो हम फिंगर प्रिक से करते हैं। उसके अलावा हम वेन पंचर से करते हैं, जो हमारी वाइटल वेन होती है हमें वेन पंचर से हम वेन से ब्लड लेते हैं। और थर्ड जो होता है हमारा जो ब्लड गैसेस को एग्जामिन करने के लिए करते हैं हम वो आर्टरी से लेते हैं। तीन टाइप से हम ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा कैपिलरी से, सेकेंड है वेन से, और थर्ड है आर्टरी से। से ब्लड लेते हैं, और जब हमें लार्ज अमाउंट में ब्लड सैंपलिंग करनी होती है यानी बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं तब हम वेन से कलेक्ट करते हैं, और जब हमें लो अमाउंट में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तब हम फिंगर प्रिक से करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ब्लड कलेक्शन के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पेशेंट का जो सैंपल है वो किस टाइप का लेना है, उसके कितने टेस्ट हैं, उसकी रिक्विजिशन स्लिप हमारे पास होनी चाहिए जिसके ऊपर टेस्ट मेंशन हो, ताकि हमें आइडिया उसके कि हमें कितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर दैट हमारे पास पेशेंट होगा, हम क्या करेंगे, पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे पास क्लीनर होना चाहिए यानी कि एल्कोहल या फिर स्प्रिट हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम, या डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए जिससे हम उसके जर्म्स को या उस साइट को क्लीन कर सकें। को क्लीन करने के लिए हमारे पास कॉटन होनी चाहिए जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करके वहाँ पे क्लीन कर सकें। उसके बाद हमारे पास ट्यूब होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स होती हैं, जैसे ये होती है येलो कैप जो होती है क्लोट एक्टिवेटर, इसके अंदर जो है कोटेड किया होता है जिसकी वजह से ब्लड सैंपल इसमें जल्दी ही क्लोट हो जाता है। उसके बाद होती है हमारे पास सोडियम फ्लोराइड ट्यूब। सोडियम फ्लोराइड एक टाइप का एंटीकोगुलेंट होता है जो क्या काम करता है, जो हमारे ब्लड शुगर, जो ब्लड में शुगर होती है उसको एज इट इज प्रिजर्व कर देता है, ताकि बाद में जब हम कभी भी सैंपल को टेस्ट करें तो वो उसको एज इट इज क्वांटिटी में हमें मिल जाए सैंपल। उसके अलावा होता है हमारे पास EDTA, वेंडर कलर या फिर ब्लू कलर का जो होता है, ये क्या होता है, वेंडर कलर का टॉप है, इसमें क्या होता है EDTA होता है, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट जो है वो EDTA होता है जिसका यूज हम हेमेटोलॉजी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए करते हैं, यानी कि एंटीकोगुलेंट ब्लड से जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद एक और ये रेड कैप होती है, रेड कैप ट्यूब, ये भी सीरम के लिए स्पेसिफिक होती है और इसमें क्लोट एक्टिवेटर होता है, सीरम क्लोट एक्टिवेटर होता है, यानी कि ब्लड जब हम इसमें मिक्स करेंगे या आप देख सकते हैं इसके अंदर जेल होता है और इसमें क्लोट एक्टिवेटर होता है जिससे क्या ब्लड इसके कॉन्टेक्ट में आते ही वो है फिब्रिन को फिब्रिनोजन में कन्वर्ट कर देता है और क्लोट हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक होता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट जो एंटीकोगुलेंट है इसका यूज हम बेसिकली जो है इसका यूज हम ESR के लिए और कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए हम इसका यूज करते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल में हमारे टेस्ट आते हैं HBVT CT और PTI PTT के APTT जो कि थ्रोम्बिन को एग्जामिन करने के लिए, यानी कि क्लोट कोगुलेशन को ब्लड की क्लोट की परफॉर्मेंस जो है उसको जानने के लिए कि कितनी देर में हमारा जो ब्लड है वो क्लोट हो जाता है, उसको जानने के लिए हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में जानने के लिए हम इस एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं। तो ये तो होगी हमारी ट्यूब्स। अब हम जानेंगे कि उस प्रोसीजर के लिए आगे हमें क्या चाहिए। उसके अलावा हम तीन टाइप से ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम, अगर हमने वेन से ब्लड लेना है या फिर आर्टरी से लेना है तो हम सिरिंज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक स्टरलाइज सिरिंज होनी चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज होनी चाहिए। ठीक है, या फिर हम इसमें अगर हमारे पास वैक्यूम्ड ट्यूब है, जो कंटेनर है ब्लड के लिए अगर वो है तो इसके लिए हम जो है वैक्यूटेनर यूज कर सकते हैं, और ये सिरिंज जो वैक्यूटेनर के अंदर लगती है उसको यूज कर सकते हैं हम, ताकि डायरेक्ट हमारी ट्यूब के अंदर जो सैंपल आ जाए और किसी भी तरह की उसके अंदर कंटेमिनेशन ना जाए, वो जो है पेशेंट से डायरेक्ट ब्लड ट्यूब में आए, ताकि जो टेक्नीशियन है उसके संपर्क में ना आ सके, उसके लिए हम वैक्यूटेनर का यूज करते हैं।
उसके अलावा जब हमने कैपिलरी पंचर करना होता है तो उसके लिए हम जो है लैंसेट का यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर लिखा भी होगा आप पढ़ सकते हैं, ब्लड लैंसेट। तो लैंसेट का यूज करते हैं ताकि हम फिंगर को प्रिक करके वहां से ब्लड कलेक्ट कर सकें। उसके अलावा हमारे पास एक टूर्निकेट होना चाहिए। टूर्निकेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बेसिकली क्या होता है कि हमारा हार्ट जब पंप करता है ब्लड तो हमारा ब्लड थ्रू ऑर्डरी टिश्यू तक आता है, और टिश्यू से जब वापस जाता है कैपिलरी में होके तो वापस जब जाता है तो वो कहाँ से जाता है? वेन के थ्रू जाता है। जब हम टूर्निकेट को अप्लाई करते हैं जो फ्यूकोसा वेन से 3 सेंटीमीटर ऊपर जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारी ब्लड की वापसी की सर्कुलेशन है, जो वेन्स की सर्कुलेशन है, वो रुक जाएगी, और उससे क्या होगा जितनी भी वेन्स है हमारी वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, यानी कि वो क्लियर हमें दिखाई देने लगेगी, जिससे हम उससे आसानी से ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम टूर्निकेट का यूज करते हैं। तो गाइज आपके समझ में आ गया होगा ओवरऑल कि भी हमें किस किस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे हम ब्लड सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ब्लड कलेक्शन जो है वो हम पार्ट नेक्स्ट पार्ट में आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइज स्टे होम सेफ।